हेलो एवरीवन, आज हम मैनीक्योर करेंगे। सो मैनीक्योर बहुत ज़रूरी है अगर हम एक्सटेंशंस कर रहे हैं या फिर डेली बेसिस पर भी हमारे नेल्स क्लीन दिखें, बहुत प्रॉपर नीट एंड क्लीन शाइन एंड हेल्दी नेल्स को प्रमोट करना है तो मैनीक्योर कराते रहना चाहिए। हाँ, सो फर्स्ट स्टेप जो हमारा होता है वो है क्यूटिकल पुश करना। सो इससे पहले मैंने क्यूटिकल सॉफ्टनर लगाया है, मैंने स्प्रे यूज़ किया है क्यूटिकल सॉफ्टनर, और उसके बाद मैंने ये क्यूटिकल पुशर लिया है और मैं इससे जो हमारे क्यूटिकल्स हैं वो थोड़ा बैकवर्ड पुश कर रही हूँ। अब ये जो मशीन है ज़रूरी नहीं है हर कोई घर पे यूज़ कर सके, सो ये ऑप्शनल है, बट अगर हमें क्यूटिकल्स क्लीन करने हैं तो ये बहुत इजी और बहुत ही फास्ट मेथड है। हम अपनी ड्रिल लेते हैं, नॉट ड्रिल, ई फाइल। सो अपने ई फाइल से हम जो क्यूटिकल्स हैं उसको थोड़ा रिमूव, थोड़ा क्लीन करते हैं, सो दैट थोड़ा स्पेस बन जाए, जो हमारे क्यूटिकल एक्चुअल में बाहर हैं उन्हें हम कट कर सकें। तो उसके लिए हम यहाँ पर ई फाइल यूज़ कर रहे हैं, और मैं यहाँ हर एक नेल के लिए, मैं नेल के कॉर्नर्स से लेके क्यूटिकल्स सब करती हूँ, बिकॉज चारों तरफ से बहुत ही क्लीन व्यू आ जाता है, और जितना ज़्यादा हम नीट एंड क्लीन अपना एरिया नेल्स का करेंगे तो उतना ही अच्छा हमारा एक्सटेंशन होगा और रिज़ल्ट, हम कुछ भी अप्लाई करें रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा फिर। सो मेन स्टेप हमारा क्यूटिकल रिमूव करना, मैनीक्योर। एक अगर हमारा एक अच्छा बेस्ट मैनीक्योर हो जाता है तो हम बहुत इजीली एक्सटेंशन करके बहुत क्लीन लुक दे सकते हैं। अगर हमारा मैनीक्योर ही अच्छा नहीं है तो हमारा एक्सटेंशन भी बहुत क्लीन नहीं होगा। सो अब मैं यहाँ पर ये वुडन स्टिक यूज़ कर रही हूँ, ऑरेंज वुड स्टिक। सो इसकी प्रॉपर्टीज़ ये होती हैं कि अगर ये बाय चांस हमारे नेल में लग भी जाता है, हमारे क्यूटिकल पे लग जाता है, तो भी ऑरेंज वुड स्टिक हमारी जो बैक्टीरिया है या फिर इन्फेक्शन होने के जो चांस है वो कम होते हैं, इससे किल करता है ये बैक्टीरिया को, और बहुत सेफ़ प्रोडक्ट है, कोई डैमेज नहीं होता इससे। सो इससे मैं थोड़ा क्लीन कर रही हूँ जो हमारा क्यूटिकल है, जो ई फाइल से थोड़ा डस्ट हो गया है जो ब्लॉक कर रहे हैं इस टाइम पे, उसे मैंने रिमूव कर दिया, और अब मैं क्यूटिकल कटर्स से क्यूटिकल्स जो अब क्लियरली विजिबल हैं, लाइक पहले वो हमारे नेल से चिपके होते हैं थोड़े, तो पहले मैंने उसे थोड़ा डिटैच किया है, और अब हम, और ज़रूरी नहीं है हम कट करें ही करें, बिकॉज कभी कभी होता है नहीं होते हैं क्यूटिकल्स, बट हम एक्स्ट्रा कट कर देते हैं जिससे ब्लीडिंग के चांस हो सकते हैं। सो हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे ब्लीडिंग के चांस हो, लाइक क्यूटिकल कट करते टाइम बहुत केयरफुली और छोटे छोटे चंक्स में कट करें, लाइक हमें ज़रूरी नहीं है हमें पूरा एरिया एक ही बार में कवर करना है, हम स्लोली अपना काम करेंगे, सो दैट अगर हमारा मैनीक्योर अच्छा हो जाता है तो आगे का काम बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो आप देख सकते हैं इतना मैंने इतना ज़्यादा नहीं कट किया है, मैं बहुत जितना मुझे दिख रहा है सिर्फ उतना ही, उससे ज़्यादा नहीं। तो एक बार हम प्रॉपर कट करेंगे। सो मैंने क्या किया था, सॉफ्टनर यूज़ किया है, उसके बाद मैंने क्यूटिकल पुशर यूज़ किया, देन ई फाइल, और फिर वुडन स्टिक से थोड़ा क्लीन करके मेरे
क्यूटिकल विजिबल हो गए मुझे एंड देन अब मैं इसे कट कर रही हूँ। सो ज़रूरी नहीं है एक ही बार में हमारा जो क्यूटिकल है वो क्लियरली हमें दिखे, तो ऐसा कुछ रूल नहीं है कि एक ही बार हम कट करेंगे। हम कर सकते हैं कट जब भी हमें लगता है कि एरिया क्लीन नहीं है, और ध्यान रखना कि क्यूटिकल बहुत ज़्यादा ना ही कट करो, एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत ही नहीं है। थोड़ा कम करोगे चल जाएगा, बट एक्स्ट्रा करोगे क्लाइंट को प्रॉब्लम होगी और फिर वो आपके बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है। सो अब भी देख सकते हैं, क्लियरली मुझे ही दिख रहे हैं कुछ क्यूटिकल्स, तो आपको भी दिख ही रहे होंगे। सो मैं ट्राई कर रही हूँ ये जो बहुत माइनर से क्यूटिकल्स हैं इन्हें क्लीन करूँ। अब ये है कि ये जो मैनिक्योर है इसे हम ड्राई मैनिक्योर बोलते हैं। ओके, सो ड्राई मैनिक्योर में क्या होता है, हम पानी का किसी भी क्लिंजर का, स्क्रब का, इन सब चीज़ों का हम यूज़ नहीं करते। हम डायरेक्टली क्यूटिकल्स को सॉफ्ट करके, उन्हें कट करके सिर्फ हमारा नेल वाला एरिया वो क्लीन करते हैं और उसी पर वर्क करते हैं। सो ये होता है ड्राई मैनिक्योर। और अब मैं शेप कर रही हूँ जो मेरे नेल हैं उनको, बिकॉज मुझे एक्सटेंशन करना है तो मुझे छोटे नेल्स ही चाहिए। सो मैं यहाँ थोड़ा शेप कर रही हूँ सो दैट बाद में जब भी एक्सटेंशंस रिमूव होंगे तो हमारे जो नेल हैं वो थोड़ा प्रॉपर अच्छे से शेप में रहें। तो मैं ऐसे सारे नेल्स की शेप बना लूँगी। और अभी हमारे जो नेल हैं बहुत छोटे और बिल्कुल परफेक्ट साइज़ के हो चुके हैं, शेप हो चुके हैं, क्लीन हो चुके हैं। तो सबसे लास्ट में सैनिटाइज़र लें या क्लीनिंग शीट्स लें, वाइप्स लें और उसे क्लीन कर दें और हमारा जो मैनिक्योर है वो डन। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। डू फॉलो एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।